अगर आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है और जहाँ पर आप रहते हो उसी ब्रांच में आपका खाता है, ठीक है, अगर आप दूसरे स्थान पर यानी निवास करने जाते हो तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आईसीआईसी का अदर ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र करें, तो ये आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कि आप अपना खाता अदर ब्रांच जो आईसीआईसी की जो अदर ब्रांच है अदर सिटी में तो उसमें कैसे ट्रांसफ़र करें। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेके जा रहा हूँ और आपको फुल ट्यूटोरियल के साथ में स्टेप बाई स्टेप आपको बैंक अकाउंट नंबर आपका ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है, और आपको कौन कौन से ऑप्शन को फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ी, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में मैं प्ले स्टोर को ओपन करूँगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च बार में आपको आई बैंकिंग यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो आईसीआईसी की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉलेशन करना है और उसके बाद में डाउनलोड करना है, नहीं सॉरी डाउनलोड करना है, उसके बाद में इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद में उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यानी प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ, निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब आप आईसीआईसी की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करना चाहोगे, रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे, उस समय आपके मेन अकाउंट यानी जो आपकी सिम कार्ड है उसके अंदर 10 रुपये बैलेंस होना अनिवार्य है। इसलिए आप किसी भी दुकानदार के माध्यम से या अपने रिचार्ज के जो एप्लीकेशन के माध्यम से 10 रुपये का उसमें ट्रांसैक्शन करके रखे तो आपको परेशानी नहीं होगी, नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर टाइप करता सर्च बार में, यहाँ पर ठीक है, उसके बाद में मैं ओनली पर ये टाइप करूँगा, उसके बाद में यहाँ पर जैसे मेरे सामने ये एप्लीकेशन का नाम आ रहा है आई मोबाइल बाई आईसीआईसी बैंक, मैं निशान करके भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ये एप्लीकेशन आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद में इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको ओनली फॉर ओपन करना है। ओपन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा लुक भी बता देता हूँ, अबाउट दिस ऐप यानी इस ऐप के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करें और उसके बाद में राइट में जो एरो है उस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर पूरा जानकारी बताएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ओपन करने के बाद में मेरे पास में क्या इंटरफेस ओपन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक रेडी फॉर यू रेडी फॉर टुमारो, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा लोडिंग हो रहा है पेज, एप्लीकेशन ओपन होने में थोड़ा टाइम पीरियड लग रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब चलिए यहाँ पर आया है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आई हैव एन अकाउंट, ठीक है, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करें। अगर आपका नहीं है अकाउंट तो यहाँ पर आप अपना ओपन न्यू सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है, और अगर सैलरी अकाउंट खोलना है तो भी यहाँ से खोल सकते हो, अगर आप NRI यूज़र है तो भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं मेरे ऑलरेडी इसमें अकाउंट है ICICI बैंक में, इसलिए मैं आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास में रेफरल कोड है तो यहाँ पर रेफरल कोड टाइप करें या एक्टिवेशन कोड, दोनों में से कोई भी यहाँ पर आपको टाइप करना, मैं निशान करके भी बता देता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको ओनली फॉर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको प्लीज़ सेलेक्ट योर सिम कार्ड यानी सिम कार्ड को सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपके बैंक के साथ में जो सिम कार्ड के जो नंबर दिए हुए हैं ना, जो लिंकेड है उसी सिम को ही सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली सिम को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करूँगा, ठीक है। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन स्टार्टेड ये ऑप्शन हो रहा है, अभी इसके बाद में यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा।
मैंने सारा प्रोसेस ओके कर दिया था। योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ चूज द लॉग इन मेथड। आई वॉन्ट टू यूज 4-डिजिट लॉग इन पिन और आई वॉन्ट टू यूज एग्जिट इन इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी। ठीक है, दोनों के माध्यम से कर सकते हैं या अपना एम पिन बना सकते हैं। तो यहाँ पर एम पिन बना सकते हैं, तो चलो मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं एम पिन बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद में यानी ये थोड़ा लोडिंग होगा। यू हैव वन स्टेप अवाई लोडिंग। ठीक है, अलर्ट सॉरी ट्रांजेक्शन कॉल नॉट बी प्रोसेस प्लीज ट्राई अगेन, ये बता रहा है एरर। ठीक है, वन स्टेप टू यूजिंग मोबाइल, प्लीज़ कंप्लीट वेरिफिकेशन एंड स्टार्ट एक्सप्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू योर 4-डिजिट पिन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग इन 4-डिजिट पिन का पहले मैं एक बार डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में वापस मैं कन्फर्म कर देता हूँ, बाद में सबमिट करता हूँ, एक बार पता चलता है। मैंने प्रोसेस को पिन कोड बनाए, उसके बाद में यूज डेबिट कार्ड। ठीक है, तो मैं यूज डेबिट कार्ड के माध्यम से उसका जो ऑथेंटिकेशन मेथड है वो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे ICIC का जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर संख्या डालनी है। ठीक है, AJL वाले। ठीक है, तो उसके बाद में मैं एक्टिवेट करता हूँ। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अपना जो भी नंबर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर टाइप कर देता एक बार। ठीक है, मैंने जो डेबिट कार्ड के पीछे ऐसा लिखा होता है, जैसे ये नंबर है ना, मैं आपको निशान करके भी बता देता हूँ, इसमें से आपको नंबर टाइप करना है यहाँ पर, ये जो है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ए में कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या, जे में कौन सी संख्या है और एल में कौन सी संख्या, वो यहाँ पर टाइप करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है। एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा ये लोडिंग होगा। ठीक है, आप ओनली फॉर वेट करें, यानी पूरा मैं प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का भी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डेबिट कार्ड के माध्यम से इसको लॉगिन करना है। सॉरी योर ट्रांजेक्शन कॉल नॉट बी प्रोसेस प्लीज ट्राई अगेन, ये एरर बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ओके करते हैं, वापस एक्टिवेट पर जाते हैं। ठीक है, वापस कोड डाल देते हैं। देखिए, डेबिट कार्ड के पीछे के जो मैंने नंबर डाल दिए है उसके बाद में वो एक्टिवेट पर मैंने क्लिक किया तो मेरा एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन पूछे जाएगा, यानी मेरे एंटर 4-डिजिट लॉगिन पिन जो मैंने बनाए थे 4-डिजिट पिन, वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो चलो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। लॉगिन पिन डालने के बाद में यहाँ पर अकाउंट, मेरा अकाउंट नंबर आ गया, व्यू बैलेंस आ गया, UPI ID आ गई, उसके बाद में सेटलमेंट भी देख सकते हो, उसके बाद में सर्विस है, अप्लाई नाउ फॉर क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड मंगवाना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फंड ट्रांसफ़र, बिल पे, रिचार्ज, माई अकाउंट, कार्ड एंड फॉरेक्स, लोन, इन्वेस्ट एंड इंश्योरेंस, भीम UPI और डिस्कवर, ये सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मी पर जैसे कि यहाँ पर मी पर देखते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स आएगी, नाम, अकाउंट नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स, माय रिलेशनशिप, चेंज लॉगिन पिन, रेफर एंड फ्रेंड्स, हेल्प, फीडबैक और ऐप वर्जन, ये सारा का सारा यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा स्कैन एंड पे पर अगर क्लिक करके आप किसी को पैसे भेजना है तो स्कैन QR कोड करके भी कर सकते हैं, ऑफर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सर्विस पे आपको जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट ट्रांसफ़र करने का बता रहा हूँ। तो सर्विस पर जाने के बाद में अकाउंट सर्विस पर, इसके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे अकाउंट सर्विस पर क्लिक करते हैं, अकाउंट सर्विस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो होंगे। ठीक है, अब उसमें आपको ओनली फॉर क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पर मैं निशान करके बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र योर अकाउंट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ट्रांसफ़र योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में पहले अपना अकाउंट नंबर आएगा, उसके बाद में जिस ब्रांच में अपना खाता है वो यहाँ का एड्रेस आएगा, उसके बाद में उसको स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे तो येस और नो का एक ऑप्शन आ रहा है। अब आप अपना खाता दूसरी ब्रांच में यानी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो येस करें, तो येस पर मैं क्लिक करूँगा।
यस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर ऊपर आ जाएगा, उसके बाद में कस्टमर आईडी आ जाएगी, उसके बाद में सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि स्टेट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ राजस्थान, उसके बाद में एंटर सिटी, अब कहाँ पर करना है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए सिरोही, ठीक है, यहाँ पर मैं सिरोही टाइप कर दूँगा, ठीक है, ऑटोमेटिकल सिरोही फिल हो जाएगा। उसके बाद में सेलेक्ट ब्रांच, तो यहाँ पर सिरोही, यहाँ पर ये टाइप करते हैं, उसके बाद में मोबाइल नंबर आएगा और ईमेल, और इसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ट्रांसफ़र उसी ब्रांच, दूसरी ब्रांच में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो यानी मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र करने का तरीका आपको बता दिया। इसके अलावा आपको अगर कोई भी और भी सर्विस चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सर्विस पर जाके अकाउंट सर्विस, कार्डलेस कैश विड्रॉल, कार्ड सर्विस, कार्ड सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अपना कार्ड ब्लॉक करना है, अनब्लॉक करना है तो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, मॉडिफाई डेबिट कार्ड लिमिट कर सकते हो, उसके बाद में रीइश्यू डेबिट कार्ड, अगर दोबारा आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, अपग्रेड क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, ट्रैक माई एप्लीकेशन चेक कर सकते हो, उसके बाद में पे बैक प्राइम मेंबरशिप है, वॉलेट प्रोटेक्शन प्लान है, कार्ड प्रोटेक्शन प्लान है, उसके बाद में कार्ड पिन सर्विस, ठीक है, तो अपने डेबिट कार्ड के पिन बनाने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। चेकबुक की सर्विस, अगर चेकबुक मंगवानी है तो चेकबुक पर क्लिक करें, उसके बाद में इंस्टा बैंकिंग सर्विस या चेक स्टेटस, तो इंस्टा बैंकिंग सर्विस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो ट्रांसैक्शन हिस्ट्री, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ओडी, डीडीपीओ, उसके बाद में चेक लेक्स विड्रॉल, ये सारा का सारा यहाँ पर ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक एक करके यानी सारी सर्विस को चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार ट्रिक्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।